क्या कौन से गांव की? ग्राम लहिया। और थाना? थाना बोता। क्या 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 समस्या हो गई? समस्या ये है, गांव में जो आवास बन रहे हैं तो उनमें प्रधान जो रामश्री हैं इस समय मौजूदा, वो 20,000 रुपए ले रही हैं, और जो मनरेगा के तहत जो पूर्व प्रधान ने काम कराए थे उनका जो है गलत तरीके से चक्रोड का पैसा निकाल लिया है मनरेगा के तहत, और जो गांव में खरंजा जो हुआ लगे हैं पुराने उनका ही गलत तरीके से पैसा निकाल लिया है, और आज तक कोई हमारे ग्राम लहिया में कोई कार्रवाई वो कोई नया काम नहीं कराया है और सारा पैसा निकाल लिया है। इनका खाता, इनकी जांच करा के इनका खाता बंद किया जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कदम? कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे, डीएम साहब के यहाँ बैठेंगे, एसडीएम के यहाँ धरना देंगे और ब्लॉक पे भी धरना देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम जो है सीडीओ नखलऊ तक भी कार्रवाई की मांग करेंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग करीब 250 लोग हैं और गांव से आए हुए हैं ट्राली से, और हम यहाँ के अपनी शिकायत जो है जिला अधिकारी से करने जा रहे हैं और एसडीएम से भी करने जा रहे हैं। क्या समस्या लैट्रिन की? जो गांव में शौचालय बन रहे हैं उनमें 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं, और अपात्र के शौचालय बन रहे हैं, पात्र हैं उनके नहीं बन रहे हैं। कौन कौन ले रहा था? जो रामश्री प्रधान ले रहे हैं, उनका पति गंगा राम। इससे पहले आपने कभी किसी शिकायत की थी? इससे पहले शिकायत करी थी तो उसमें कोई शिकायत सुने गांव में जो भी सिलेंडर आए और जो भी मतलब योजनाएं आती है गलत तरीके से। ठीक है।